हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो Y75 4G की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 20,999 रुपीज। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला है मून लाइट शेडो और दूसरा है डांसिंग वेव्स। बाकी कुछ इस तरीके का बॉक्स है। ऊपर की ओर आपको वीवो Y75 की ब्रांडिंग मिल जाती है, पीछे की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो की है 1.03 और बॉडी की है 0.66। और जो मेरे पास कलर वेरिएंट है वो है डांसिंग वेव्स। फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं, जो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो है 25,990। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 20,999 रुपीज में। तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एंड बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें एक वीवो की तरफ से छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। एंड इसके अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशंस, वारंटी कार्ड, एंड यहाँ पे हमें एक ये ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस मिल जाता है। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं, अभी फोन में लगा के भी देख लेंगे। यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, तो अभी के लिए हम इसे भी साइड में रखते हैं एंड देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे रखा हुआ मिल जाता है हमें एक ये चार्जिंग एडाप्टर, एंड ये है 44 वॉट का एक फ्लैश चार्जर। यहाँ पे आप लोग मैक्स रेटिंग देख सकते हैं 11 वोल्ट एंड 4 एम्पियर। उसी के साथ यहाँ पे हमें रखी हुई मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल, एंड ये है USB A to Type-C चार्जिंग केबल। एंड मोस्टली वीवो के फोन्स के साथ हमें ये ईयरफोन्स मिलते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। दूसरी ब्रांड्स को भी ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक ये एडाप्टर, एंड ये है Type-C to 3.5mm हेडफोन जैक वाला एडाप्टर। दैट मींस फोन के अंदर हमें जैक होल नहीं मिलता है, बट कोई इश्यू नहीं है, बॉक्स के अंदर हमें ये एडाप्टर मिल जाता है, तो हमें अलग से मार्केट से ये चीज लेने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में हमें मिल जाता है एक ये सिम इजेक्टर टूल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ये रहा Vivo Y75। फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी फंकी कलर मिल जाता है, एंड काफी सारे लोगों को ये कलर पसंद आएगा एंड बहुत से लोगों को ये कलर नहीं भी पसंद आएगा, बट इन रियल ये फोन देखने में काफी डिफरेंट लगता है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी पतला लगता है। इस फोन की थिकनेस है 7.41 mm। बाकी अगर वेट की बात करते हैं तो वो है 172 grams, एंड मुझे फोन की इन हैंड फील काफी अच्छी लग रही है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको मिल जाती है सिम ट्रे, उसी के बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर, उसी के बगल में स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, उसी के ऊपर दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है। टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, दैट मींस एक टाइम पे आप इस फोन पे एक मेमोरी कार्ड एंड एक सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं। एंड ये है इस फोन का बैक कवर जो बॉक्स के अंदर मिलता है, तो चलिए एक बार इसे भी लगा के देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी फिटिंग है इस कवर की, एजेस काफी टाइटली फिट हो जाती हैं एंड कवर की क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, एंड ये डिस्प्ले आती है 60Hz के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ फोन के बैक में आपको ग्लास डिजाइन मिलता है। डिस्प्ले के कलर्स की बात करें तो कलर्स काफी अच्छे हैं एंड डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले इजिली विजिबल है। इस फोन में आपको मिलता है फन टच OS 12 जो की बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पे। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G96। RAM की बात करें तो 8GB है, उसी के साथ यहाँ पे आपको 4GB की एक्सटेंडेड RAM मिल जाती है जो कि आपके फोन स्टोरेज से यूज होगी। फोन के सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो काफी एक्यूरेट है एंड काफी फास्ट फोन को अनलॉक कर देता है, एंड फेस अनलॉक भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है एंड वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में तो फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी आसानी से स्विच कर देता है। बाकी अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आपको इस फोन में एवरेज मिलती है। BGMI गेम्स को आप मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। फोन के कैमरा सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 50
मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल लेंस मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे एलईडी फ्लैश है। फोन के फ्रंट में आपको 44 मेगापिक्सल का ऑटो आई फोकस कैमरा मिलता है। उसी के साथ बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4050 एमएएच की एक बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स आपको 44 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। एंड कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये फोन 65% हो जाता है सिर्फ 30 मिनट्स में। बाकी अगर फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, जोश, क्रेड, बायजूस। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें काफी आसानी से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए एक बार फोन की कैमरा एप्लीकेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड मिल जाता है, उसी के साथ पोर्ट्रेट मोड है, फोटो मोड है, वीडियो मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको हाई रेजोल्यूशन मोड मिल जाता है, पैनोरामा मोड मिल जाता है, लाइव फोटो है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, एआर स्टिकर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डबल एक्सपोजर है एंड यहाँ पे आपको डुअल व्यू मोड भी मिल जाता है। दैट मींस एक टाइम पे आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा दोनों को यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप इसके हाई रेजोल्यूशन मोड को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एचडी मोड एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अगर वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पे 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे एट 24, 30 and 60 fps। एंड वीडियो के लास्ट में मैं इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Vivo Y75 4G की। फोन के जो लुक्स हैं वो काफी डिफरेंट है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी को इसके लुक्स पसंद आते हैं या नहीं, बट हाथ में लेने में ये फोन काफी प्रीमियम लगता है एंड इन हैंड फील भी मुझे इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी लगी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में तो परफॉर्मेंस अच्छी है, बट अगर आप एक इंटेंस यूजर हैं, फोन को काफी ज्यादा यूज करते हैं, गेम्स वगैरह काफी खेलते हैं, तो आपको इस फोन में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं आपको इसके कैमरा की ऐप में। तो ऑल इन ऑल काफी अच्छा फोन है, बट अगर आप एक फोन लेना चाहते हैं मेनली परफॉर्मेंस के लिए तो मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। एंटिल देन बी हैप्पी बी सेफ।